नमस्कार, कॉम्पिटिफन कम्युनिटी में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीपीएसई 2023 को ध्यान में रखते हुए हमने टॉप एमसीक्यू की श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत आज जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज है उसमें आज का टॉपिक रहेगा नगरीय निकाय। तो आज हम क्या करेंगे, नगरीय निकाय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको आज बात करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण विषय रहेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण हमारे पास टॉपिक रहेगा उसको भी अपन क्या करते हैं, समझते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, आज का पूरा जो सेशन है वो नगरीय निकाय पे क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। तो प्रश्न लेने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। प्रश्न लेने से पहले अगर मैं बता दू एक कानून के बारे में बताता हूँ जो हमारे पास नगरीय निकाय से संबंधित है, ठीक है। ध्यान देना, जो हमारे पास नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय से संबंधित जो हमारे पास कानून है उस कानून के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना, नगरीय निकाय से संबंधित हमारे पास दो कानून है, ठीक है। एक है छत्तीसगढ़ नगर पालिका, ठीक है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956। ये हमारे पास पहला कानून है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पहला कानून क्लियर हुआ हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास है छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत अधिनियम 1961। समझ में आया? देखो बेटा, हमारे पास दो सबसे महत्वपूर्ण कानून है, इसी के तहत छत्तीसगढ़ में नगरी क्षेत्र में प्रशासन किया जाता है, एक प्रकार से अपन काम कर पाते हैं, ठीक है ना, व्यवस्था की गई है। हमें यह देखना है कि छत्तीसगढ़ में जैसे हमारे पास नगर निगम है, छत्तीसगढ़ में हमारे पास नगर पालिका परिषद है, या फिर हमारे पास क्या है, नगर पंचायत है। यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई गई है, तो देखो नगर निगम के लिए व्यवस्था 1956 में बने कानून के तहत किया जाता है, और नगर पंचायत में, नगर पालिका परिषद में जो व्यवस्था है, कब से है, 1961 में बने कानून के बेसिस पे है। ध्यान रखना, ऑब्वियस ही बात है, इसको किसने पारित किया होगा, तो ध्यान रखना इसको पारित किया गया था मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित किया होगा, इसको याद रखना, क्लियर है। कहां पारित किया होगा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित किया होगा, बराबर, याद है, इसी को देखना है, ठीक है। देखो सबसे पहला मैंने बोला कि ये बना है मध्य प्रदेश की विधानसभा ने, तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में ये अलग से पारित नहीं हुआ है, इस बात को अच्छे से याद रखना। तो हमने क्या किया है, याद रखना, इसके लिए हमने विधि का अनुकूलन आदेश, हमने क्या पारित किया है, विधि का अनुकूलन आदेश पारित किया है। इसका ये मतलब होता है जहां जहां पर एमपी शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, वहां वहां पर छत्तीसगढ़ शब्द पढ़ा जाए, लिखा जाएगा, ठीक है। और ध्यान देना, ये छत्तीसगढ़ के राजपत्र में, गैजेट पेपर में कब प्रकाशित हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य में ये आदेश कब लागू हुआ, ये प्रश्न आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़, याद रहेगा जो हमारे पास छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम जो हमारे पास अधिनियम है, ठीक है, याद रखना, इसके लिए विधि का अनुकूलन आदेश कब पारित हुआ था, कब जारी किया गया था, ध्यान देना, ये आपको मिलेगा 30 जून 2001, कब हुआ था, 30 जून 2001, बेटा इसको याद रखना, क्लियर है। आगे ये छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 24 अगस्त वर्ष 2001 में, और याद रखिएगा ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कब हुआ, तो ध्यान देना, 1 नवंबर वर्ष 2001 में, 1 नवंबर वर्ष 2001 में, बराबर, याद कर, तो देख लो जी हमारे पास क्या है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम एक्ट 1956, जिसके तहत राज्य सरकार ने विधि का अनुकूलन आदेश जारी किया था 23 जून 2001 को, राजपत्र में प्रकाशित हुआ 24 अगस्त को, और राज्य में लागू कब हुआ, उदाहरण हमारे पास ये 1 नवंबर वर्ष 2001 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुआ, ठीक है, यहां तक इसको याद रखना। और सेम डेट याद रखना बेटा, जो हमारे पास नगर पालिका, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अधिनियम 1961, इसके लिए भी अनुकूलन आदेश सेम डेट को जारी हुआ है, राजपत्र प्रकाशित सेम डेट को हुआ है, और लागू भी छत्तीसगढ़ राज्य में क्या हुआ, सेम डेट को हुआ है, बराबर, यहाँ पर इसको याद रखना। और एक चीज और याद रखिएगा, ध्यान रखा, जो हमारे पास जितनी भी नगरीय निकाय है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय को अगर भारतीय संविधान के संदर्भ में पढ़ा जाए, तो इसके लिए भारत सरकार ने 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया था, क्या लाया था, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया था, ठीक है, यहां तक इसको याद रखिएगा, क्लियर है, ठीक है। अब जिसके तहत किसका प्रावधान किया गया था, नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया था, ठीक है,
अगर देखा जाए ये भारतीय संविधान के किस भाग में है, ठीक है, इसको याद रखना, किस अनुसूची में रखा गया था और किस अनुच्छेद पे है, किस आर्टिकल पे है, ये आपको याद रखना है संविधान के। ध्यान में अगर देखा जाए ये हमारे पास किस भाग में है, 9A में है, किस अनुसूची में है, 12 में है, आर्टिकल किस में है, 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक, ठीक है बेटा, याद रखना जेड जी तक है, क्लियर है यहां तक। ध्यान में ये हमारे पास क्या है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसके अंदर हमने क्या किया है, नगरीय निकाय से संबंधित प्रावधान किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये कुछ बेसिक मैंने बताया, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रश्न बनाते हैं और प्रश्न के साथ साथ टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलो आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, संविधान की याद रहेगा, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, अभी बताया था मैंने, याद है कि नहीं, जल्दी बताइए अभी, भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए, पहला ही आप लोग बताओ कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। अभी जैसे मैंने बताया 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने नगरीय निकाय का क्या किया, व्यवस्था किया, इसको हमने किस अनुसूची में रखा, शेड्यूल नंबर 12 में। तो जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर क्या होगा, नगर पालिका, याद रहेगा। ध्यान रहे, जो प्रश्न नंबर 1 है इसका उत्तर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया यहां तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। संविधान के का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है। अभी हालांकि इसी प्रश्न को मैंने क्या किया, थोड़ा सा वृहद कर दिया है, ठीक है, इस प्रश्न को मैंने क्या किया है, वृहद कर दिया है, याद रहेगा ना, ठीक है, क्लियर बेटा यहां तक। तो देख लो अच्छे से, पहला नगर पालिका समिति का प्रावधान किया गया है क्या, कि वार्ड समिति का, ठीक है, महानगर आयोजन समिति का, कि जिला आयोजना समिति का। तो ध्यान देना, जो हमारे पास नगरीय निकाय है, ठीक है, नगरीय निकाय के अंतर्गत जो बेटा वार्ड समिति है मिलेगा, ये कभी कभी दो वार्ड को मिला के वार्ड समिति बनाते हैं, जनसंख्या के बेसिस पे होगा। महानगर आयोजना समिति भी है, ये भी याद रखना, जिला आयोजना समिति ये भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर देखा जाए नगर पालिका समिति ये नहीं है, इस तरीके कुछ नहीं होता बेटा, याद रखना, क्या होगा, वार्ड समिति रहता है, महानगर आयोजना समिति रहता है और जिला आयोजना समिति रहेगा। इसलिए इसका उत्तर अगर देखा जाए इसमें 2, 3, 4 सही है, याद रहेगा यहां तक, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 2, 3, 4 होगा, ऑप्शन देख लेना, सेपरेट मिस्टेक है, क्लियर है यहां तक। तो ध्यान देना, अगर देखा जाए प्रश्न नंबर 2 का जो हमारे पास उत्तर क्या होगा, ध्यान देना बेटा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा प्रावधान किया गया है, वार्ड समिति का, महानगर आयोजना समिति का और जिला आयोजना समिति का, इसमें ये जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा, 2, 3, 4। आई होप समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर अपन आते हैं 3 में आते हैं और उसको समझते हैं, क्लियर हुआ। देखो छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासनिक विभाग है। देख लो अच्छे से प्रश्न क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग कौन सा है, बताओ। तो हमारे पास 2 अलग अलग मंत्रालय है, ग्रामीण प्रशासन के लिए ग्रामीण मंत्रालय है, नगरीय प्रशासन के लिए नगरीय मंत्रालय है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे पहला, वर्तमान में, अभी फिलहाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय मंत्री कौन है, हालांकि चुनाव आचार संहिता अलग गया, फिर भी याद रखना वो अभी भी अपने पोस्ट में बने रहेंगे। तो ध्यान देना, आपको ये कमेंट करके बताना है नगरीय विकास मंत्री कौन है। तो ध्यान देना, नगरीय निकायों में अगर प्रशासकीय विभाग की बात करें तो बेटा ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या होगा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन, याद रहेगा। तो ध्यान देना, जो प्रश्न नंबर 3 है उसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो नगरीय निकाय है, चाहे वो नगर पंचायत को बोलो, नगर पालिका परिषद को बोलो, नगर निगम को बोलो, ठीक है, उसका सर्वोच्च प्रशासकीय विभाग क्या होगा, तो क्या बताओगे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन, जिसके मंत्री कौन है बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 के बाद अगला अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे और इसको एक बार से देखो इसका उत्तर क्या है, ठीक है, देख लो ध्यान से। छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास के लिए कौन सा नियम है, ध्यान में बेटा ये नियम छत्तीसगढ़ शासन ने क्या किया है, सॉरी बनाया है, याद रहेगा। ध्यान देना, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास के लिए कौन सा नियम सरकार ने बनाया है,
नगर पालिका नियम 1956 ये तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया नहीं, एमपी ने बनाया था, छत्तीसगढ़ ने क्या किया विधि का अनुकूलन आदेश जारी करके उसको बस लागू किया है और राजपत्र में प्रकाशित किया है। नगर पालिका निगम 1961 ये भी नहीं बेटा। छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि अधिनियम 2003 हाँ इसको ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लाया है। और पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ गंदी बस्ती क्षेत्र सुधार एवं निर्मूलन अधिनियम 1976 नहीं जी। उदाहरण छत्तीसगढ़ सरकार ने केवल क्या लाया है, ऑप्शन नंबर सी को लाया है, इसलिए जो प्रश्न नंबर 4 है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित नगरों में निगम है, बताओ तो पढ़ो कहां कहां छत्तीसगढ़ में नगर निगम है, याद रहेगा बेटा देख लो अच्छे से छत्तीसगढ़ राज्य में नगर निगम कहां कहां पर है। ठीक है यहां तक देखो भाई, नगर निगम की बात करते हैं, ठीक है नगर निगम की बात करते हैं, ध्यान रहे बेटा छत्तीसगढ़ राज्य में ना वर्तमान में कितने नगर निगम है याद रहेगा, तो ध्यान रहे छत्तीसगढ़ राज्य में ना वर्तमान में 14 नगर निगम है, कितने नगर निगम है 14, और ध्यान रहा सबसे नया या सबसे पुराना कौन सा है ये याद कर लेना, और सबसे नया कौन है ये याद कर लेना, हालांकि आपको 14 के 14 नाम भी याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने नगर निगम है 14, सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है रायपुर है, और रायपुर को हमने नगर निगम कब बनाया था 1967 में बनाया था, इसको याद करना, और सबसे नया जो नगर निगम है वो है रिसाली, और रिसाली को कब बनाया 2019 में हमने नगर निगम का दर्जा दिया था। क्लियर है यहां तक, नगर निगम की बात करोगे तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो नगर निगम है किस जिले में है, ध्यान रहे बेटा वो आपको मिलेगा दुर्ग जिले में, किस जिले में है दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा नगर निगम है, कितने हैं तो 4 है, 4 में कौन कौन है दुर्ग स्वयं है, दुर्ग के बाद कौन है तो दुर्ग के बाद भिलाई है, भिलाई के बाद कौन है तो ध्यान रहा भिलाई के बाद भिलाई चौदह है, और अगला हमारे पास कौन है रिसाली। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा नगर निगम किस जिले पे है दुर्ग जिले में है, इतना क्लियर हुआ कितने नगर निगम है 4 याद रहेगा, और ध्यान रहा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है रायपुर 1967, सबसे नया कौन है वर्तमान फिलहाल में तो 2019 में बना रिसाली है। ठीक है आई होप समझ में आया होगा, तो जो हमारे पास 14 नगर निगम है बेटा उनमें से पहचानने की कौन सा नगर निगम हमारे पास नहीं है। ठीक है और इतना क्लियर हुआ देख लो अच्छे से, प्रश्न में आते हैं देखो भाई वर्तमान में कौन कौन नगर निगम है ये पहचानने के लिए प्रश्न आया है ना। ठीक है भाई क्लियर देख लो अच्छे से, जगदलपुर बस्तर में है नगर निगम है, राजनांदगांव नगर निगम है, महासमुंद अभी वर्तमान में नगर निगम नहीं है लेकिन चिरमिरी जो कोरिया का है ये नगर निगम है, आया समझ में आता है, तो ध्यान रहा इसका उत्तर क्या होना चाहिए 1, 2, 4 दिख रहे कहीं पे हाँ जी 1, 2, 4 आया समझ में, तो ध्यान देना ये हमारे पास क्या है इसका उत्तर हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, तो क्या बताओगे कि छत्तीसगढ़ नगर निगम को पहचाना था, प्रश्न बता दिया आपको क्या रेडी करना याद रखना जो 14 नगर निगम है 14 नगर निगम के नाम याद कर लो। ठीक है दूसरा वहां के मेयर कौन है, लगभग मैक्सिमम जितने भी मेयर है सब कांग्रेस के हैं ये तो पता होगा आपको, लेकिन मेयर कौन है ये देख लो, उसके अलावा कितने महिला मेयर है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज है वहां पे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है, बाकी नहीं 1/2 इसको याद रखिएगा, और आपको बताना है कमेंट करके कि कितने महिला मेयर है महापौर है छत्तीसगढ़ में, बराबर यहां तक ठीक है आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है भाई अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, इसका उत्तर भी आप लोग दोगे कि रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला है, रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना नगर निगम है ठीक है ना, और इसको नगर निगम का दर्जा कब मिला है 1967 में 1967 पे, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है कमेंट करके आप लोग बताइए ठीक है कि रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला जल्दी से जल्दी बताइए भाई। ठीक है सबसे पहले अगर अपन जो शनिवार को कल हमारा लाइव क्लास रहेगा ठीक है, तो आप सभी बच्चों से ये मेरा निवेदन है कि अभी तक बेटा हमने जितने भी पंचायती राज पढ़ा है इससे संबंधित कोई भी डाउट है विषयवार टॉपिक बस देखिएगा, कल मुझसे आप डाउट पूछ सकते हो ठीक है, उसके अलावा रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला बेटा कमेंट करके उत्तर बताइए ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं
इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात पे चलते हैं, ठीक है ना। देखो भाई भाई एक बार रीड करो तो आप लोग अच्छे से इसको, ये क्वेश्चन नंबर सेवंथ का उत्तर क्या है। छत्तीसगढ़ के नगर पालिका निगम में गठित मेयर इन काउंसिल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मेयर इन काउंसिल बराबर, यहां तक देख लो अच्छे से, जो हमारे पास मेयर इन काउंसिल है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, क्लियर है, देख लो भाई। पहला, इसे नगर निगम से संबंधित विभिन्न विषय पर निर्णय लेने का अधिकार है। देखते हैं, यह नगर पालिका आयुक्त के अधीन कार्य करती है। देखते हैं कि गलत है। नगर पालिका निगम का बजट इसी के द्वारा पारित होता है। देखते हैं, नगर पालिका निगम के मेयर का निर्वाचन करती है। बराबर, यहां तक हमारे पास और ऑप्शन है। तो पहले ना अपन क्या करते हैं, जो मेयर इन काउंसिल है ना उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बराबर, यहां तक क्लियर है, यहां तक ठीक है। ध्यान देना बेटा, तुम्हारे पास मेयर इन काउंसिल की बात करोगे, एम आई सी कहलाता है नगर निगम में, यही चीज नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में क्या कहलाता है, पीआईसी, प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो, जो मेयर इन काउंसिल जो है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, संरचना देखा जाए, गठन कैसे होता है, तो ध्यान रखना 1+7 मेंबर, 1+7 का मतलब होता है इसमें महापौर होगा और 7 पार्षद होते हैं, और ध्यान रखना जो पार्षद होते हैं, निर्वाचित पार्षद होंगे ये, इनको कौन चूज करेगा, तो ध्यान द्वारा महापौर के द्वारा क्या होते हैं, चूज किए जाते हैं, चुने जाते हैं। बराबर, यहां तक क्लियर है, इतना समझ में आया जी, क्लियर यहां तक। सॉरी सॉरी बेटा, ये ना एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक बताया, ये प्रेसिडेंट काउंसिल का बता दिया था। जो संरचना की बात करोगे तो एक मेयर होगा और 20% पार्षद, जितने भी हमारे पास नगर निगम में पार्षद होंगे, ध्यान रखना 20% पार्षद को मेयर इन काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है, याद रहेगा, तो ध्यान देना इसको याद रखिएगा, क्लियर है। और ध्यान देना, जो हमारे पास मेयर इन काउंसिल है इसका जो चुनाव है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये 7 दिन के भीतर होता है, ठीक है, जब सब चीज हो गया, प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो 7 दिन के भीतर क्या होता है, मेयर इन काउंसिल का क्या होता है, चुनाव होता है। बराबर, यहां तक क्लियर है, इसको याद रखिएगा। और ध्यान देना, जितने भी सदस्य जो मेयर इन काउंसिल में शामिल होते हैं, सबके सब महापौर के द्वारा क्या होता है, मनोनीत होता है, और मेयर इन काउंसिल के सदस्य तब तक रहेंगे वो महापौर के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, मतलब जब तक महापौर चाहेगा तब तक मेयर इन काउंसिल का सदस्य बना रहेगा। बराबर, यहां तक इस बात को याद रखना है, क्लियर है। और जितने भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेना है, यही काउंसिल अपने आप में एक कैबिनेट है नगर निगम का, ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेना है तो कौन लेगा, तो कौन बताओगे, हमारे पास मेयर इन काउंसिल, ठीक है, यहां तक। चलो ठीक है, प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से, कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसे नगर निगम से संबंधित विभिन्न विषयों पर निर्णय, तो याद रखना ये ऑप्शन सही है जी, क्लियर है यहां तक। यह नगर निगम सीएमओ के अधीन काम करता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नगर पालिका निगम का बजट इसी के द्वारा पारित होता है, नहीं, ये पारित नहीं करता, वो असेंबली पारित करती है। नगर निगम के मेयर का चुनाव करती, नहीं, नगर निगम के मेयर का चुनाव ना सभी निर्वाचित पार्षद लोग मिलकर करते हैं। बराबर, महापौर का चुनाव ना वर्तमान में क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, और ये जितने भी पार्षद होते हैं, निर्वाचित पार्षद, उन लोग मिलकर क्या करते हैं, मेयर का चुनाव करते हैं। बराबर, यहां तक इसको याद रखिएगा, पहले ये प्रत्यक्ष हुआ करता था, लेकिन अब क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप आते हैं, एक बार पढ़िए, ठीक है, यहाँ पे दो कथन दिया हुआ है, पहला कथन दिया हुआ है, कथन नंबर एक को पढ़ो, ठीक है। नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। कारण नंबर दो, बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। बराबर, यहां तक यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, हमारे पास दो चीजें दी गई है, क्लियर है यहां तक, ठीक है जी। चलो समझते हैं, तीन चीजें हमारे पास है, एक है नगर पंचायत, ठीक है, एक है नगर पालिका परिषद, और एक है नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, ठीक है यहां तक। देखो जी, नगर पंचायत
ऐसे नगरीय क्षेत्र में गठित होगा जहां की जनसंख्या कम से कम 5,000 से लेके अधिक से अधिक 20,000 हो। ऐसे नगरीय क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया जाएगा जहां की जनसंख्या 5,000 से 20,000 के बीच में हो, ठीक है। उसके अलावा ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका परिषद बनाया जाएगा जहां की जनसंख्या 20,000 से लेकर के 1,00,000 के बीच में हो, और ऐसे क्षेत्र को नगर निगम बनाया जाएगा जहां की जनसंख्या कम से कम 1,00,000 हो या 1,00,000 से अधिक हो। बराबर याद तक तो ध्यान में ये याद रखना। आगे अगर देखा जाए, जो नगर पंचायत है बेटा, ठीक है ना, नगर पंचायत जो है ना, इसके लिए एक नाम है, इसको अपन कहते हैं संक्रमणशील क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? संक्रमणशील क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा क्षेत्र है जो गांव से, ठीक है, जो गांव से वर्तमान में नगर के रूप में बदल रहा है, बदला नहीं है, कंप्लीट आया समझ में। ध्यान देना, जो क्षेत्र गांव से नगर के रूप में बदल रहा है ना, वो क्या कहलाता है? संक्रमणशील क्षेत्र। और ध्यान देना, यहाँ पे नगर पंचायत कब बनाया जाएगा? जब जनसंख्या 75% जनसंख्या खेती नहीं करती हो, गैर कृषक हो, क्या हो? गैर कृषक हो, खेती नहीं करती हो, ठीक है यहाँ तक। और ध्यान देना, याद रखना, वहां का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, वो 400 से ज्यादा हो, ठीक है, तब जाके उस क्षेत्र को अपन नगरीय क्षेत्र का दर्जा देते हैं सरकार के द्वारा। बराबर याद रखिएगा, नगर पालिका को अपन कहते हैं लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, और इसको अपन कहते हैं वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, किसको? नगर निगम को। बराबर याद है, इसको याद रखिएगा, क्लियर है। तो चलो यहां पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 था, इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या बड़े वाले नगरों में गठित होता है। सही बात है जी, कितना बोला था? 1,00,000 से अधिक क्षेत्र में नगर निगम बनाते हैं कम से कम। बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल, ऑब्वियस ही बात है, जनसंख्या ज्यादा होगा तो प्रशासन भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन में देखते हैं, दोनों कथन ए आर सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है, बिल्कुल यही तो है ना हमारे पास। तो ध्यान में, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 9 पे आते हैं। देखो ध्यान से पढ़ो, नगर पालिका परिषद के स्ट्रक्चर के विषय में क्या सही नहीं है, ठीक है। नगर पालिका परिषद का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसके विषय में क्या सही नहीं है, ठीक है, यहां तक इसको याद रखना है। चलो पहला, नगर पालिका क्षेत्र से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष, याद रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, याद रखना, अगर देखा जाए बेटा ये प्रश्न को, ये पहले का जो प्रश्न है वो मैंने दिया है यहाँ पे, ये अभी वर्तमान नहीं, ये पुराना प्रश्न है। तो पहले अध्यक्ष प्रत्यक्ष होता था, अभी क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष को। ये वर्तमान कंडीशन में सही कि गलत है? गलत है, याद रखना, ठीक है। दूसरा, वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद, ये सही है ना जी। राज्य सरकार द्वारा नामांकित 3 सदस्य, ठीक है, याद रखना, वहां कुछ एल्डरमैन भी होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? एल्डरमैन होते हैं। कहां पे? नगर पालिका, नगर पंचायत पे, नगर पालिका परिषद में और नगर निगम में। बराबर यहां तक इसको याद रखना। तो ध्यान देना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं नामांकित, तो क्या बताओगे? 5 होते हैं। बराबर यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है। आगे, जिला पंचायत द्वारा नामांकित 2 सदस्य, ध्यान में ये भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, यहां तक इसको याद रखिएगा। किसके बारे में? इस पर्टिकुलर प्रश्न के बारे में। आगे अगर देखा जाए, नगर पालिका क्षेत्र से निर्वाचित केवल लोकसभा सदस्य, ये भी रहेगा स्ट्रक्चर पे। नगर पालिका क्षेत्र से निर्वाचित राज्य विधानसभा का सदस्य विधायक भी रहेगा। नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत राज्यसभा सदस्य, ये भी रहेगा। नगर पालिका क्षेत्र से प्रत्यक्षता निर्वाचित उपाध्यक्ष नहीं रहेगा जी, याद रहेगा। देखो क्या क्या गलत है, 3 गलत है, 4 गलत है, 8, ठीक है, 1 सही है बेटा ना, याद रखना। ध्यान देना, इसका उत्तर क्या होगा? 3, 4 और 8 दिख रहा है ऑप्शन पे, 3, 4, 8, हाँ भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 सही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रश्न नंबर 9, यहां पे मैंने स्ट्रक्चर, तो देखो आपको क्या क्या याद रखना है। देखो बेटा, अगर नगरीय निकाय है,
नगरीय निकाय है, ठीक है। तो कौन कौन होगा? देखो सबसे पहले निर्वाचित पार्षद होगा, जो किसको चुनेंगे? अध्यक्ष को। कौन होगा हमारे पास? निर्वाचित पार्षद होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है। अब देखो पार्षद होगा, साथ में अध्यक्ष भी होगा, एल्डरमैन होगा जिसको राज्य सरकार क्या करता है? मनोनीत करता है। विधायक होगा, लोकसभा सांसद होगा, राज्यसभा सांसद होगा। इतने लोग रहते हैं बराबर यहां तक सभी में, बस संख्या अलग अलग रहती है। क्लियर बेटा? यहां पर यह था क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। आगे याद रखना है, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 10 क्या है उसको अपन देखते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? देख लो ध्यान से। नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में किसे मत देने का अधिकार नहीं होता है? याद रहेगा जब नगर पालिका क्या होता है, बैठक होता है, तो किन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होता है वो हमें पहचानना है। बराबर यहां तक क्लियर है? देख लो अच्छे से, ठीक है भाई। देखते क्या क्या है, ठीक है। अध्यक्ष वोट देगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि वो सदस्य है। उपाध्यक्ष भी वोट देगा क्योंकि वो क्या हमारे पास? सदस्य है, ठीक है। और अगला हमारे पास वार्ड का पार्षद, ये भी देखे। देखो जो लोग प्रत्यक्षता निर्वाचित हुए हैं वो तो क्या करेंगे, किसी भी बैठक में क्या करेंगे? वोट देंगे, मत देंगे। तो अध्यक्ष देता है, उपाध्यक्ष देता है और वार्ड पार्षद देता है, ठीक है। चौथे नंबर पर अगर देखा जाए, राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य, याद रखना अगर कोई सदस्य मनोनीत हुआ है, नॉमिनेट हुआ है, वो कभी भी वोट नहीं दे सकता, भाग ले सकता है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य है ये भी वोट नहीं दे सकते। राज्यसभा सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य है ये भी नहीं दे सकते। तो ध्यान में बेटा 4, 5, 6 देखो कहीं पे है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी को देखो मैच कर रहा है, इसलिए जो प्रश्न नंबर 10 है इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 को, पढ़ो अच्छे से, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पहले अच्छे से रीड कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, ठीक है। यहां तक क्लियर है? रीड करो बेटा। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के विषय में क्या सही नहीं है? जो क्या सही नहीं है उसको पहचानना है। देखो तो आप लोग एक बार, ठीक है भाई, क्या सही नहीं है उसको पहचानना है बराबर यहां तक, ठीक है। देखो पहले क्या सही उसको देख लेते हैं। नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षद और अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, सही है, गलत नहीं है। निर्वाचित पार्षद लोग ही तो मिलकर उपाध्यक्ष को चुनते हैं जी, ठीक है। अध्यक्ष भी तो पार्षद ही होता है तो वो भी तो चुनेगा ना, ठीक है। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मत नहीं दे सकता। क्यों नहीं देगा? अध्यक्ष भी तो निर्वाचित पार्षद ही था ना पहले, तो भाई वो तो पार्षद रहेगा ही, वो भी क्या करेगा? वोट दे सकता है, इसलिए यहां पे नहीं, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष करता, नहीं जी पहला बैठक में अध्यक्ष नहीं रहेगा, प्रशासनिक अधिकारी लोग रहते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष अपने पद की शपथ देता है, नहीं, ठीक है, उसके समक्ष नहीं लेगा वो बराबर। तो याद है 2, 3, 4 गलत है। देख लो जो प्रश्न नंबर 11 है, क्या प्रश्न पूछा था, क्या सही नहीं है? 2 सही नहीं है, 3 सही नहीं है, 4 सही नहीं है। तो देखो कहीं पे ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है क्या? हाँ, इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका उत्तर आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। क्लियर है यहां तक? याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 11 के बाद प्रश्न नंबर 12 में आते हैं। किसमें आते हैं? प्रश्न नंबर 12 में। क्लियर है? देखो भाई नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में क्या सही है, ठीक है। अवधि के बारे में पूछ रहा है किसका? नगर पालिका जो परिषद है उसके कार्यकाल के बारे में पूछ रहा है। उत्तर क्या है, क्या सही है करके, ठीक है। तब देखो कितना क्लियर है, ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मैंने बताया था। ध्यान रहे बेटा, जो अध्यक्ष है या फिर जो हमारे पास उपाध्यक्ष है, ध्यान रहे इनका जो कार्यकाल है ना वो परिषद के कार्यकाल पर निर्भर करता है। परिषद 5 साल है, हो सकता है परिषद ही भंग हो जाए, तो भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष फिर क्या करेंगे? तो ध्यान देना इनका कार्यकाल परिषद के कार्यकाल पर निर्भर करता है, ना कि 5 साल होता है। तो ध्यान देना ये दोनों गलत है,
याद रहेगा दोनों के दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, आप तक इसको याद रखना। ठीक है, नगर पालिका परिषद की अवधि 5 वर्ष। हाँ भाई, परिषद की अवधि 5 साल होगी, याद रहेगा। अध्यक्ष और पार्षद का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। यदि ठीक है, ये हमारे पास चौथा सही हो गया। यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पहले भंग कर दी जाए तो नई परिषद 5, देखो मैं बोला था उपचुनाव होगा, तो उपचुनाव का कार्यकाल कभी भी 5 साल का नहीं होगा, शेष अवधि के लिए होता है, तो गलत हो गया ना जी। ठीक है, यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पहले भंग कर दी जाए तो नई परिषद शेष अवधि के लिए, सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या क्या सही बोलो, तो 3 सही है, 4 सही है और 6 सही है। 3, 4, 6 दिख रहे कहीं पे? हाँ, 3, 4, 6 याद रहेगा। तो जो प्रश्न नंबर 12 है, इसका उत्तर क्या मिलेगा? डी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, क्या बताओगे? डी मिलेगा। क्लियर है यहां तक? इसको प्लीज देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 12 आई होप समझ में आया होगा बेटा। जो भी डाउट है प्लीज आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो अगर चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। प्रथम बैठक के बारे में पूछा है, याद रहेगा। नव निर्वाचन के बाद नगर पंचायत के प्रथम बैठक के विषय में क्या सही है, याद रहेगा। देखो, चुनाव हो गया है, चुनाव होने के बाद पहला बैठक होगा, ठीक है। चुनाव होने के बाद क्या होगा, पहला बैठक होगा, तो पहला बैठक के विषय में क्या सही है उसको अपन देखते हैं। क्लियर है? देखो ध्यान से, प्रथम बैठक निर्वाचन अधिसूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर बुलाया जाता है, याद रहेगा। नहीं, निर्वाचन अधिसूचना मतलब जिस दिन निर्वाचन होना है, घोषणा किया, अधिसूचना जारी हो गया, उसके 15 दिन के बाद? नहीं बेटा, गलत है ये। इस बैठक की अध्यक्षता एक डिप्यूटी कलेक्टर करता है, नहीं करता है, याद रहेगा, इसको ध्यान देना। ठीक है, सही क्या है उसको हमें पहचानना है। इस बैठक की अध्यक्षता एक तहसीलदार करता है, ये सही है। ध्यान देना, जब नगर पंचायत का बैठक होगा तो पहला बैठक जो प्रथम बैठक है उसकी अध्यक्षता तहसीलदार करता है, ना कि डेप्यूटी कलेक्टर, बराबर यहां तक, इसको ध्यान देना। ठीक है, इस बैठक में या इस सम्मेलन में अध्यक्ष और सदस्य शपथ लेते हैं, बिल्कुल शपथ होता है इस पे, ये भी सही है। ठीक है, 3 और 4 सही हो गया। ठीक है, इसके बाद उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते, ठीक है, सही बात है। पहले सदस्य लोग शपथ लेंगे, अध्यक्ष को चुनते हैं, अध्यक्ष सदस्य लोग मिलकर किसको चुनते हैं, उपाध्यक्ष को, तो ये भी सही है, 5 भी सही है। उपाध्यक्ष निर्वाचन में समान मत आने पर, उपाध्यक्ष के निर्वाचन में समान मत आने पर अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मतदान की बात होती है, मतगणना की बात होती है, तो किसी भी राजनीतिक प्रमुख को निर्णायक मत लेने का अधिकार नहीं होता, बराबर यहां तक। ठीक है, आगे, उपाध्यक्ष के निर्वाचन में समान मत आने पर परिणाम का विनिश्चय लार्ड के द्वारा होता है, लेकिन यह प्रशासनिक अधिकारी करेगा, ना कि अध्यक्ष करेगा। उदाहरण, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 भी है। देख लो क्या क्या सही है जी। 3 सही है, 4 सही है, 5 सही है, 7 सही है। इसलिए देख लो, ऑप्शन नंबर सी बैलेंस करता है इसको। उदाहरण, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सही क्या है उसको अच्छे से एक बार रीड करो और इसको अपन क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं कि सही क्या है। क्लियर है यहां तक? देख लो अच्छे से। नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षद को कलेक्टर हटा सकता है, बिल्कुल, पार्षद को कलेक्टर ही हटाता है, एकदम सही है। यदि पार्षद का पद पर बने रहना लोकहित की दृष्टि से वांछनीय नहीं है तो कलेक्टर किसी निर्वाचित पार्षद को पद से हटा सकता है, बिल्कुल सही है। परिषद अपने 2/3 बहुमत से किसी निर्वाचित पार्षद को पद से हटा सकता है, यह भी सही है। तो पार्षद को कलेक्टर हटा सकता है या 2/3 पार्षद लोग मिलकर ही हटा सकते हैं, कब? जब उनका पद पर बने रहना लोकहित पर, लोकहित के लिए सही नहीं है। यदि यह पाया जाए कि निर्वाचित पार्षद उस आरक्षित प्रवर्ग का है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था, तो कलेक्टर उसको पद से हटा सकता है? नहीं भैया, ऐसा नहीं। अगर एसटी सीट से पार्षद है, अगर एसटी कम्युनिटी का ही है, तो ऑब्वियसली बात है कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है। हमें क्या पूछना था? पूछा था सही क्या है, 1, 2, 3 कहीं पे है क्या? बिल्कुल
तो ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है यहां तक इसको अच्छे से देखिए, क्लियर है, देख लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखो ध्यान से एक बार रीड करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करो तो आप लोग। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष की पद च्युति अर्थात उसको पद से हटाना के विषय में क्या सही है, अर्थात जो पद मुक्ति है रिमूवल की बात कर रही है, कर रहा है यहाँ पर किसके बारे में, उनके उनको हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है, देखो क्या क्या सही है। ठीक है भाई, देखो वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, सही है, उपाध्यक्ष को अपना अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/6 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/10 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, गलत है। परिषद के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए, गलत है। 50% कितना बेटा, 50% याद रखना। परिषद के 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होना चाहिए, नहीं, 50% बोला ना अभी। अविश्वास प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या है, जितने भी पार्षद निर्वाचित हुए हैं उनका 50% या उससे अधिक, ठीक है, और जितने उपस्थित हैं और जितने लोगों ने मत दिया है उसका कितना होना चाहिए, तो क्या बताओगे, 2/3। लेकिन ये जो 2/3 है ना, ये 50% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर, याद रहेगा क्या होगा बताओ तो, ध्यान देना ए बी एफ दिख रहे हैं यहीं पे, हाँ भाई ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी ए बी एफ ये क्या है, सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में सही क्या है, याद रहेगा देख लो अच्छे से, निम्नलिखित में सही क्या, देख लो, राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष नगर पंचायत का बने रहना लोकहित में वांछनीय नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कौन हटाएगा, राज्य सरकार हटाएगा। ठीक है, देखो यहां पे अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि अध्यक्ष का पद पे बने रहना पंचायत के लोकहित में नहीं है तो उसको हटा सकता है क्या, बिल्कुल हटा सकता है, सही है। यदि यह पाया जाए कि अध्यक्ष अपने कर्तव्य का पालन करने में सक्षम नहीं है तो भी हटाया जा सकता है, अध्यक्ष अधिनियम के उपबंधों के विपरीत कार्य करता है तो भी हटाया जा सकता है। ठीक है, यह पाया जाए कि अध्यक्ष आरक्षित प्रवर्ग का है जिसके लिए स्थान आरक्षित किया गया है तो भाई क्यों हटाएंगे, जब चीजें सही है तो नहीं हटाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्या क्या सही है, 1, 2, 3 कहीं पे है क्या, ठीक है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके लिए प्रश्न नंबर 16 के लिए ध्यान देना बेटा, ये पद से कौन हटाता है, पार्षद है तो कलेक्टर हटाएगा, अध्यक्ष है तो राज्य सरकार हटाएगा जी। ठीक है, 16 के बाद 17 में आते हैं, एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। ठीक है ना, देखो जी, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है, कैसे, जितने भी नगरीय निकाय है ना उस पर नियंत्रण सरकार करता है, लेकिन कैसे करता है, तो ध्यान देना अगर देखा जाए, पहला विधायी मामलों पर, कानूनी मामले पे कानून बना के करता है, वित्तीय मामले ऑब्वियस ही बात है उनका आय का स्रोत क्या है, राज्य सरकार ही तो पैसा देगा ना बजट के माध्यम से, कार्मिक मामले मतलब प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, नागरिकों की शिकायत के संबंध में नहीं, ये नहीं करेगा राज्य सरकार बराबर, ध्यान देना राज्य सरकार विधायी वित्तीय एवं कार्मिक मामलों के माध्यम से वो क्या करता है, नगरीय निकाय पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए 1, 2, 3 सही है, कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी को देखो, ये आपको क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी बराबर, 1, 2 और 3। ठीक है, यहां तक इसको देखिएगा, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, 18 पे आते हैं, किस वित्त आयोग द्वारा पहली बार देश में स्थानीय निकाय को सरकार अधिक संसाधन जुटाने के अधिकारों की संस्तुति की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। ठीक है, देख लो अच्छे से इसका उत्तर क्या होगा,
ठीक है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। चलो तो कि किस वित्त आयोग द्वारा पहली बार देश में स्थानीय निकायों को सरकार अधिक संसाधन जुटाने के अधिकार की, मतलब याद रखना इसका उत्तर ना बेटा, याद रखना 13वां वित्त आयोग है। 13वां वित्त आयोग में यह व्यवस्था किया गया कि भाई जो स्थानीय निकाय है ना, ठीक है, वो भी खुद से संसाधन जुटा सके, खुद से आय बढ़ा सके, बराबर। इसलिए सिफारिश किया गया 13वें वित्त आयोग। आपका आप एक काम करो, कमेंट करके बताओ कि भारत में जो 13वां वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, बराबर। अभी 15वां चल रहा है, लेकिन जो 13वां वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष कौन था, कमेंट करके बताइए भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, 19 में आते हैं, ठीक है। नगरीय निकायों के विषय में क्या सही है, बराबर। नगरीय निकाय के संबंध में क्या सही है, देख लो अच्छे से क्या सही है। पहला, ये गैर कृषक कार्यों में संलग्न होते हैं, बताया था। अगर आपको नगरीय निकाय बनना है तो 75% जो जनसंख्या है वो खेती नहीं करती हो, गैर कृषक हो, सही बात है। यह संवैधानिक निकाय, बिल्कुल, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाया गया है। यह राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित, अभी बताया था राज्य सरकार इसको वित्तीय मामलों में, विधायी मामलों में, कार्मिक मामलों में क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये भी सही है। इन्हें कर आरोपण का अधिकार, ऑब्वियस ही बात है, टैक्स तो लगाते हैं, आप टैक्स देते हो कि नगर निगम अगर रहते हो, नगर पंचायत में रहते हो, इवन आप ग्राम पंचायत में भी रहते हो, वहां भी अनिवार्य टैक्स है 6 प्रकार के, ठीक है ना। ध्यान रखना इसमें 4 ऑप्शन सही है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 19 इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहां तक चलो, आज का सबसे आखिर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, आज का आखिरी लास्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो क्या है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और जैसे मेंस की बात करते हो, छत्तीसगढ़ राज्य भू राजस्व संहिता, ठीक है, 1959, ये तो पढ़ना ही है। तो देख, उसी से संबंधित प्रश्न मैंने लिया था कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में कलेक्टर के विषय में क्या कहा गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में कलेक्टर के विषय में क्या कहा गया है। पहला, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1900, मतलब कलेक्टर के विषय में कहां पर बातें कही गई है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 16 में, ठीक है, धारा 25 में, धारा 30 में, या धारा 37 में। देखो बेटा, आंख बंद करके याद रखना, कलेक्टर के विषय में कहा गया है धारा 16 में। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा 16 में जिला कलेक्टर के संदर्भ में बात कही गई है, बराबर, याद रहेगा। ध्यान देना, ये था प्रश्न नंबर 16, ठीक है, ध्यान रहे बेटा। आज हमने क्या किया है, इन प्रश्नों के माध्यम से जितने भी नगरीय निकाय से संबंधित हमारे पास टॉपिक है, उन सभी टॉपिक हमने क्या किया, एमसीक्यू सॉल्व किया है, ठीक है, यहां तक इसको अच्छे से देखिएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, ग्रामीण निकाय और नगरीय निकाय की जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, हमने हमें यहाँ पे क्या किया, सॉल्व किया है, क्लियर, टॉपिक वाइज सॉल्व किया है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी, या फिर जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट होगा, अगर कोई भी समस्या होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, हम कल मिल रहे हैं ऑनलाइन रात को 8 बजे, ठीक है, आप मिलिए, आपके जो भी डाउट है, जो भी समस्या, उसको लिख के रखिए, ठीक है, और कल पूछिए, ठीक है ना। तो इस सेशन को यहीं पे आज समाप्त करते हैं, ठीक है, और कल मिलते हैं लाइव क्लास में, आपके जो भी समस्या होगा, जो भी डाउट होगा, उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच।